नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए डालते एक नजर ललितपुर जिले की प्रमुख एवं खास खबरों पर ललितपुर लाइव टीवी के इस फटाफट बुलेटिन में। जब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर से। ललितपुर रेलवे स्टेशन के देवगढ़ रेलवे क्रॉसिंग पर मोबाइल पर बात करते समय कोचिंग पढ़ने जा रही युवती ट्रेन की चपेट में आने से हुई गंभीर रूप से घायल, जिसे थाना जीआरबी पुलिस मौके पर पहुंचकर गंभीर रूप से घायल पड़ी युवती को तत्काल ललितपुर के जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां युवती के दोनों पैर एवं सिर में गंभीर चोटें होने की वजह से प्राथमिक उपचार के लिए तत्काल झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है। तो वहीं घायल युवती के परिजन जिला चिकित्सालय पहुंच गए हैं। ये पूरा मामला ललितपुर रेलवे स्टेशन के देवगढ़ रेलवे क्रॉसिंग के पास का बताया जा रहा है और घायल युवती ललितपुर थाना सदर कोतवाली क्षेत्र के नेहरू नगर इलाके की रहने वाली बताई गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर जनपद में बेहतर कानून व्यवस्था एवं अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर कड़ी कार्रवाई करने तथा जन सुनवाई को सरल व सुगम बनाने अधिकारियों के लिए पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर इरज राजा को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। उसी क्रम में आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर जनपद जालौन में तैनात हेड कांस्टेबल श्रीराम प्रजापति, जो कि ललितपुर जिले के थाना मैरोनी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिलावर निवासी हैं, उन्हें उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए आज गणतंत्र दिवस के मौके पर सिल्वर मेडल एडीजी जोन कानपुर द्वारा दिया जाएगा। तो वहीं जनपद जालौन में तैनात हेड कांस्टेबल निरंजन सिंह यादव, जो कि ललितपुर जिले की थाना जखौरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नदनवारा के निवासी हैं, इन्हें भी उनके उत्कृष्ट कार्य को लेकर सिल्वर मेडल एडीजी जोन कानपुर द्वारा दिया जाएगा। तो वहीं जनपद जालौन में तैनात कांस्टेबल आकाश जैन, जो कि ललितपुर जिले के तालबेट कोतवाली अंतर्गत के तालबेट कस्बे के निवासी हैं, जिन्हें उनके उत्कृष्ट कार्य को लेकर एडीजी जोन कानपुर द्वारा सिल्वर मेडल दिया जाएगा। ललितपुर शहर के रामनगर स्थित माननीय कल्याण सिंह सभागार में 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का हुआ आयोजन, जिसमें स्लोगन राइटिंग, पोस्टर, वाद विवाद प्रतियोगिता, रंगोली स्टॉल, नुक्कड़ नाटक से मतदाताओं को जागरूक किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर प्रातःकाल स्कूली बच्चों के द्वारा नगर के प्रमुख स्थानों पर मतदाता जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान ललितपुर जिलाधिकारी ने कहा कि आज 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर सभी को बधाई। उन्होंने कहा कि आज देश की युवा पीढ़ी मतदान की ताकत को समझने की जरूरत है। युवा पीढ़ी को मतदान की ताकत को समझने की जरूरत है। मतदान लोकतंत्र का प्रमुख अंग है। सभी बच्चे अपने आसपास के लोगों को मतदान के लिए अधिक से अधिक जागरूक करें। ललितपुर जिलाधिकारी अक्षर त्रिपाठी की अभिनव पहल पर आज जनपद के जिला पूर्ति कार्यालय में ई ऑफिस प्रणाली लागू की गई, जिसका शुभारंभ आज कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। ललितपुर जनपद में 28 जनवरी एवं 29 जनवरी को आयोजित होगा बुंदेलखंड गौरव महोत्सव, जिसमें हॉट एयर बैलून सांस्कृतिक कार्यक्रम की रहेगी धूम, जिसको लेकर ललितपुर जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने विद्युत, पेयजल, सुरक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के जिले के संबंधित अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। ललितपुर शहर की राजकीय इंटर कॉलेज में उत्तर प्रदेश की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत प्रदेश का हुआ आगाज, जिसमें बुंदेली कलाकारों ने मौनी नृत्य, लोक गायन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से क्षमा और लोगों ने बुंदेली व्यंजनों के स्वाद का जायका लिया। यहाँ पर मौजूद स्टॉलों पर स्थानीय उत्पाद रहे यहाँ आकर्षण का केंद्र, जिसमें राष्ट्रीय बालिका दिवस पर शपथ दिलाई बेटियों को सम्मानित कर उनका मनोबल बढ़ाया गया। ललितपुर जिले के कस्बा तालबेट स्थित श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याण महोत्सव के तीसरे दिन कार्यक्रम स्थल अयोध्या नगरी मर्दन सिंह ग्राउंड पर मुनि विनर्म सागर महाराज, मुनि निस्वार्थ सागर, मुनि निर्मद सागर, मुनि निसर्ग सागर, मुनि शमर सागर एवं चुल्लक हीरक सागर के सानिध्य और प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी नितिन भैया खुरई एवं सह प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी दीपक भैया टेरका के नेतृत्व में सामूहिक अभिषेक शांतिधारा के बाद जन्म कल्याणक की क्रियाएँ विधि विधान से सम्पन्न की गई। मुनि विनर्म सागर जी महाराज ने कहा कि भगवान का जन्म हुआ है, वह उच्च उच्च गोत्रीय होते हैं,
उनका समीर दर्शन कितना निर्मल होता है आप उनके शरीर को देख और वचन को सुन सकते हो, लेकिन उनके गुणों के वैभव को नहीं देख सकते। कर्मभूमि में आज का व्यक्ति उस नीच गोत्र का होता है जो उच्च गोत्र में जन्म लेकर भी खोटे कर्म करते हैं। अपने अंतर्मन में झांक कर देखो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल और परिग्रह पांचों पाप में कैसे संलिप्त हो। धर्म और धर्मायतनों पर कब्जा करना, उसकी संपत्ति का उपयोग करना नीचपन है। यदि हम उच्च कुलीय कार्य करें तो उसके प्रभाव का तेज चेहरे पर दिखाई देगा। वह किसी सौंदर्य प्रशासन का मोहताज नहीं होता। जो कान से सुनता है वह दिल में उतरता है, उसी से इंसान ऊपर बढ़ता है।